Hello everyone, welcome back to SSC CHSL RRB NTPC group D के लिए है, SSC CGL CHSL 2021 के लिए भी है, boat and stream का previous year का question जो SSC CGL prelims 2007 में पूछे गए थे, the speed of a motor boat is that the current of water as 36:5, मतलब इन दोनों का ratio दे दिया, ठीक है, किसका किसका, speed of a motor boat x पकड़ता है, और current का y पकड़ता है, तो x बटा y दिया हुआ 36/5, ठीक है, the boat goes along with the current in 5 hour 10 minutes, It will come back in, मतलब कोई distance कितने घंटे में जाता है, सर 5 घंटा 10 मिनट में, मतलब 5 घंटा 10 मिनट मतलब 10/60, तो 5 raised to the power 1/6, तो 6/35, 31/6 घंटे में, जितना distance जाता है, वही distance against the current कितने में जाएगा, ठीक है, अब मजे के बाद देखो, distance हम लोग पकड़ लेते हैं, d पकड़े हैं, ठीक है, तो speed बराबर distance upon time, अब देखो टाइम दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है स्पीड क्या हो जाएगा सर अलोंग द करंट स्पीड हो जा रहा है समझ रहे हो और अगर स्पीड हमें मालूम है तो डिस्टेंस निकालना इजी है तो डिस्टेंस अप इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम स्पीड इनटू टाइम यहां तक सही है ठीक है अब सर डिस्टेंस नहीं मालूम है हमें तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे सर देखते हैं उसी डिस्टेंस को करते हैं ये फंड ना हमें डिस्टेंस को निकालना ही नहीं उसको उसी तरीके से छोड़ देना है कैसे डी को ही रख कर ले लेंगे तो स्पीड अपॉन टाइम स्पीड क्या हो जाएगा अलोंग द करंट x प्लस y होता है सर x प्लस y 36 ये हम लोग पकड़ लेते हैं 36a एंड ये 35a ठीक है तो कितना हो जा रहा है तो 36/5 41a हम लोग पकड़ लेते हैं x इक्वल्स टू 36a एंड y इक्वल्स टू 5a मतलब 41a इसका स्पीड है अब टाइम कितना लगा सर 31/6 तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 41a इनटू 31/6 ये डिस्टेंस हो गया ठीक है अब देखो क्या बोला गया विल कम बैक मतलब क्या अगेंस्ट द करंट स्पीड क्या हो जाएगा सर सर अगेंस्ट द करंट स्पीड हो जाता है x माइनस y तो x कितना था 36a तो 36a माइनस 5a तो कितना होता है सर 31a तो इस टाइम पे स्पीड क्या हो जाएगा सॉरी टाइम कितना लगेगा t बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है तो डिस्टेंस अपन स्पीड करता है डिस्टेंस क्या है सर 41a इनटू 31/6 इनटू नीचे हो जा रहा है 31a तो a काटो 31 काटो तो 6 से कितना हो रहा है तो 6 छक्का 36 कितना हो रहा है 36 और 5 5/6 तो 5/6 मतलब 50 मिनट तो 6 घंटा 50 मिनट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ये बहुत ही आसान सा ये डिस्टेंस निकालना ही नहीं है जो कोई भी बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालो कोई जरूरत ही नहीं है डिस्टेंस मत निकालो खुद से सोचो कि डिस्टेंस को हम लोग फिक्स्ड कर देंगे ठीक है ओके सर थैंक यू बाय बाय स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास